मान लीजिए कि एक रेखांकन दिया है और आपको उसे एक दिए गए अनुपात माना 3:2 में विभाजित करना है। यदि आपके पास इसे सही सही मापन की कोई विधि ना हो तो आप इस बिंदु को कैसे प्राप्त करेंगे? इस प्रकार के बिंदु को प्राप्त करने के लिए हम दो विधियां दे रहे हैं। अब हम रेखांकन को दिए हुए अनुपात में विभाजित करने की पहली विधि समझेंगे। हमें एक रेखांकन AB दिया हुआ है और हमें उस रेखांकन को m:n के अनुपात में विभाजित करना है। प्रक्रिया को समझने में सहायता करने के लिए हम m को 3 के बराबर और n को 2 के बराबर लेंगे। अब हम रचना के चरण पर गौर करेंगे। AB से न्यून कोण अर्थात अंग्रेजी में एक्यूट एंगल बनाती हुई एक किरण AX खींचिए। अब AX पर 5 बिंदु इस प्रकार अंकित कीजिए कि AA1, A1 A2, A2 A3, A3 A4 और A4 A5 सब बराबर हो। आपको कितने बिंदु AX पर अंकित करने हैं यह आपको m+n से पता चलेगा। हमने m को 3 के बराबर और n को 2 के बराबर माना है, इसलिए m+n 5 के बराबर है। इसलिए हमने 5 बिंदु अंकित किए हैं। अब हमें आखिरी बिंदु अर्थात A5 और B को मिलाना है। अब हमें BA5 के समांतर एक रेखा A3 पर बनानी है जो माना AB को C पर प्रतिच्छेद करती है। अगर आपको समांतर रेखा बनाना नहीं आता तो कृपया आप दूसरा वीडियो देखें। हमने A3 को ही क्यों चुना? हमारे उदाहरण में M 3 के बराबर है, इसलिए हमने तीसरा बिंदु अर्थात A3 को चुना। अगर हमारा M 5 के बराबर होता तो हम पांचवा बिंदु चुनते। चलो अब हम देखते हैं कि इस विधि से हमने अभीष्ट विभाजन कैसे प्राप्त किया। A3C और A5B समांतर है रचना से और AA3 बाई A3A5 AC बाई CB के बराबर है। AA3 बाई A3A5 3/2 के बराबर है जो AC बाई CB के बराबर है अर्थात AC बाई CB भी 3/2 के बराबर है। अब हम रेखांकन को विभाजित करने की दूसरी विधि समझेंगे। हमें रेखा AB दी गई है और हमें इस रेखा को 3:2 में विभाजित करना है। सबसे पहले हम AB से न्यून कोण अर्थात एक्यूट एंगल बनाती हुई एक रेखा AX बनाएंगे और AX के समांतर एक रेखा हम B पर बनाएंगे। हम इसे BY कहेंगे। अब हमें AX पर 3 बिंदु A1, A2, A3 इस प्रकार अंकित करना है ताकि AA1, A1, A2 और A2, A3 बराबर हों। हम 3 बिंदु इसलिए अंकित कर रहे हैं क्योंकि हमारे उदाहरण में M 3 के बराबर है। अगर हमारा M
चार या फिर पांच के बराबर होता तो हम चार और पांच बिंदुए अंकित करते। और इसी प्रकार बी वाई पर हम दो बिंदु अंकित करेंगे ताकि बी बी वन और बी वन बी टू बराबर हो। हम दो बिंदु इसके लिए अंकित कर रहे हैं क्योंकि हमारे उदाहरण में n दो के बराबर है। अब ax पर आखिरी बिंदु अर्थात a3 और by पर आखिरी बिंदु अर्थात b2 को मिलाइए। माना कि यह रेखा AB को C पर प्रतिच्छेद करती है। अब AC इज टू CB 3 इज टू 2 होगा। चलिए अब हम देखते हैं कि इस विधि से हमने अभीष्ट विभाजन कैसे प्राप्त किया। त्रिभुज AA3C त्रिभुज BB2C के समरूप है क्योंकि दोनों त्रिभुजों के कोण समान है, अर्थात CAA3 B2BC के समान है, ACA3 B2CB के समान है और BB2C AA3C के समान है। तब हम कह सकते हैं कि AA3 बाई BB2 AC बाई CB के बराबर है। हमें पता है कि AA3 बाई BB2 3 बाई 2 के बराबर है जो AC बाई CB के भी बराबर है, अर्थात AC बाई CB भी 3 बाई 2 के बराबर है। अब हम स्केल गुणक के अनुसार दिए गए त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज की रचना करना सीखेंगे। हमारे सामने दो स्थितियां हैं, जब स्केल गुणक एक से छोटा है और जब स्केल गुणक एक से बड़ा है। आगे बढ़ने से पहले हम स्केल गुणक का अर्थ जानते हैं। स्केल गुणक का अर्थ रचना करने वाले त्रिभुज की भुजाओं तथा दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं के अनुपात से है। उदाहरण के लिए अगर स्केल गुणक एक से छोटा है तो हम जिस त्रिभुज को बनाएंगे वह दिए हुए त्रिभुज से छोटा होगा। हम रचना को समझने के लिए दो उदाहरण लेंगे। पहले उदाहरण में हमें एक त्रिभुज ABC दिया है। हमें एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 3/4 हों। रचना के चरण इस प्रकार हैं। हमें एक त्रिभुज ABC दिया है और हमें एक और त्रिभुज ए डैश बी सी डैश इस प्रकार बनाना है ताकि स्केल गुणक 3/4 हो। सबसे पहले हम BC से न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा BX बनाएंगे। अब हमें BX पर चार बिंदु इस प्रकार अंकित करने हैं ताकि बी बी वन बी वन बी टू बी टू बी थ्री और बी थ्री बी फोर समान हो। हमने चार ही बिंदु बी एक्स पर क्यों अंकित किए? हमारे स्केल गुणक अर्थात 3/4 का विभाजक 4 है। अगर हमारा स्केल गुणक 3/5 होता तो हम पांच बिंदु अंकित करते। अब आगे बढ़ते हैं। बी फोर सी को मिलाइए और बी फोर सी के समांतर एक रेखा बी थ्री पर बनाइए। हमने तीसरा बिंदु अर्थात बी थ्री को ही क्यों चुना? हमारे स्केल गुणक का अंश गणक 3 है
इसलिए हमने तीसरा बिंदु चुना है। अगर हमारा स्केल गुणक 4/5 होता तो हम चौथा बिंदु चुनते। अब हम मानते हैं कि B3 से बनाया हुआ समान B4 C के समांतर रेखा BC को C' पर प्रतिच्छेद करता है। अब AC के समांतर एक रेखा C' से होती हुई बनाइए। मानिए कि यह रेखा AB को A' पर प्रतिच्छेद करती है, तब त्रिभुज A' BC' ही अभीष्ट त्रिभुज है। अब हम एक और उदाहरण लेते हैं जहां स्केल गुणक 1 से बड़ा है। इस उदाहरण में हम स्केल गुणक को 5/3 के बराबर लेंगे। हमें एक त्रिभुज ABC दिया हुआ है और हमें अन्य एक त्रिभुज A'BC' बनाना है ताकि स्केल गुणक 5/3 हो। सबसे पहले BC से न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा BX A के विपरीत दिशा पे खींचिए। अब BX पर 5 बिंदु इस प्रकार अंकित कीजिए कि BB1, B1B2, B2B3, B3B4 और B4B5 सब बराबर हो। हमने 5 बिंदु BX पर इसलिए अंकित किए हैं क्योंकि हमारे स्केल गुणक का अंश गुणक 5 है। अब B3C को मिलाइए और अब हमें B3C के समांतर एक रेखा B5 पर बनानी है। यह बनाने से पहले हमने B3 को क्यों चुना? हमारा स्केल गुणक जो 5/3 है, इसका विभाजक 3 है, इसलिए हमने BX पर अंकित किए हुए बिंदुओं में से तीसरा बिंदु चुना है। अब हम B5 पे B3C के समांतर एक रेखा बनाएंगे। माना कि यह रेखा C' पर BC को प्रतिच्छेद करती है। अब C' पर AC के समांतर एक रेखा बनाइए। माना कि यह रेखा BA को A' पर प्रतिच्छेद करती है, तब A'BC' ही अभीष्ट त्रिभुज है। आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि यदि कोई बिंदु वृत्त के अंदर स्थित है तो इस बिंदु से जाने वाली वृत्त की कोई स्पर्श रेखा नहीं हो सकती है, परंतु यदि बिंदु वृत्त पर स्थित है तो उस बिंदु पर वृत्त की एक और केवल एक स्पर्श रेखा होती है जो इस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। अतः यदि आप वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचना चाहते हैं तो केवल उस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या खींचिए और उसी बिंदु पर इसकी लंब रेखा खींचिए, तब यही अभीष्ट स्पर्श रेखा होगी। आपने यह भी देखा है कि यदि बिंदु वृत्त के बाहर स्थित है तो इस बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं होती हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे इन स्पर्श रेखाओं को खींचा जाता है। हमें एक वृत्त जिसका केंद्र O है और एक बिंदु वृत्त के बाहर दिया हुआ है। हमें इस बिंदु अर्थात P से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं बनानी है।
सबसे पहले आप पीओ को जोड़िए। अब पीओ का लंब समद्विभाजक बनाइए। माना कि यह समद्विभाजक पीओ को एम पर प्रतिच्छेद करता है। अब एम को केंद्र मानकर और MO के बराबर त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचिए। माना कि यह वृत्त दिए हुए वृत्त को क्यू और आर पर प्रतिच्छेद करता है। अब पी क्यू और क्यू आर को मिलाइए। पी क्यू और क्यू आर ही अभीष्ट स्पर्श रेखाएं हैं। अब हम देखते हैं कि हमने स्पर्श रेखाएं कैसे प्राप्त करी है। सबसे पहले OQ को मिलाइए। कोण PQO अर्धवृत्त में बना एक कोण है, इसलिए कोण PQO 90 डिग्री के बराबर है। इसलिए हम कह सकते हैं कि PQ OQ के लंब है, जहां OQ दिए हुए वृत्त का त्रिज्या है, क्योंकि PQ दिए हुए वृत्त के त्रिज्या के लंब है। हम कह सकते हैं कि PQ स्पर्श रेखा ही होगी। इसी प्रकार PR भी स्पर्श रेखा है। चलिए अब हम याद करते हैं कि हमने अभी तक क्या सीखा। सबसे पहले हमने कोण का समद्विभाजक बनाना सीखा था, फिर हम लंब समद्विभाजक बनाना सीखे, और उसके बाद हमने 60 डिग्री का कोण बनाया था, फिर हमने दिए गए आधार और एक कोण तथा अन्य दो भुजाओं के योग से त्रिभुज की रचना की थी, और दिए गए आधार एक कोण तथा अन्य दो भुजाओं के अंतर से त्रिभुज की रचना की थी। फिर हमने दिए गए परिमाप तथा दोनों आधार कोण से त्रिभुज की रचना की थी, और फिर हमने रेखांकन को दिए हुए अनुपात में विभाजित करना सीखा था। फिर हमने स्केल गुणक के अनुसार दिए गए त्रिभुज से समरूप एक त्रिभुज की रचना की थी। फिर किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा कैसे बनाते हैं हमने सीखा था। धन्यवाद।